कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। कैश फॉर क्वेरी प्रकरणात टीएमसी खासदार महुआ मोहित्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे। संसदेत सुरू असलेल्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महुआ मोहित्रा यांच्या निलंबनाबाबत घोषणा केली। महुआ मोहित्रा यांचे वर्तन अनैतिक आणि अशोभनीय असल्याचे समितीने निष्कर्षात मांडले असून सभागृहात ते मान्य करत असल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले। महुआ मोहित्रा यांच्यावर संसदेत अदानी समूहाच्या विरोधात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता। त्यासोबतच त्यांनी संसद पोर्टलचा पासवर्ड उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्यासोबत शेअर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता। त्यामुळे आचारसंहिता समितीच्या शिफारशीवरून संसदेतून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे। दरम्यान नेमकं काय घडलं पहा संपूर्ण व्हिडिओ। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोला जो सिर्फ प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोहित्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रश्न को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं जो विरोध में ना गए हैं मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी Sir, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Sri Nishikant Dubey, MP against Srimati Mohua Mitra, MP for the direct involvement in cash or curry in parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mohua Mitra, MP laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोहित्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने नैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं जो विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोहित्रा के निशान समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सर आई मूव द फॉलोइंग विथ योर परमिशन दैट दिस हाउस हैविंग टेकन नोट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mohua Mitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that
continuance of Srimati Mahua Maitra as member of parliament, member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहित्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोहित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।